हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का समापन हो चुका है। उसी से संबंधित एक एक क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की अगर बात करूं तो इसका आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी तक उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला नामक स्थान पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि भुवनेश्वर के किस स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है और राउरकेला के किस स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में संपन्न हुआ है। तो ये चीज इंपोर्टेंट हो जाती है, आप सभी को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जर्मनी की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसी के साथ उपविजेता रही है बेल्जियम। बात करूं पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच हुआ, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी के साथ जर्मनी विजेता हो जाती है और उपविजेता रहा बेल्जियम। तो इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से कवर करना है। तो 2023 के अंदर पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस 15वें हॉकी विश्व कप के अंदर कुल मिलाकर 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिन्हें 4 ग्रुपों में बराबर रूप से बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला नामक स्थान पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का पहला मुकाबला किस किस टीम के बीच हुआ है? तो फ्रेंड्स, कई बार आपसे पहले मैच तथा अंतिम मैच से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार इनको भी देखकर चलेंगे। तो 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो पहला मुकाबला हुआ वो 13 जनवरी को अर्जेंटीना तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और यहीं से आपको कवर करना है। पहला मुकाबला 13 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसी के साथ अंतिम मैच की भी बात कर लेते हैं। जैसे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का अंतिम मैच किस किस टीम के मध्य खेला गया? तो मैंने आपको अभी पहले मैच के बारे में बताया, जो कि 13 जनवरी को अर्जेंटीना तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। लेकिन अगर आपसे अंतिम मैच के बारे में पूछता है, तो अंतिम मैच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी तथा बेल्जियम के मध्य खेला गया है। इसी में जर्मनी विजेता रहा तथा बेल्जियम उपविजेता रहा। यही पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला था, जिसके तहत विजेता का खिताब जर्मनी को मिला और उपविजेता का खिताब बेल्जियम को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया है? तो आधिकारिक शुभंकर की अगर बात करूं तो 2023 के लिए हॉकी विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर रखा गया था ओली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जिसे आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नाम से भी देख सकते हैं, का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जो है वो जर्मनी के निकोलस वेलेंजी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जो है वो बेल्जियम के विंसेंट वनास जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ शीर्ष गोल स्कोरर का खिताब किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ शीर्ष गोल स्कोरर का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जेरमी हेवर्ड को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जेरमी हेवर्ड ही वह खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉकी विश्व कप 2023 प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का अवार्ड भी दिया गया है। और जेरमी हेवर्ड ही वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी विश्व कप 2023 के अंदर सबसे ज्यादा गोल दागे हैं। तो कितने गोल दागे हैं? इन्होंने कुल मिलाकर 9 गोल दागे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हॉकी विश्व कप 2023 में सबसे अधिक गोल करने वाली टीम का खिताब किस टीम को दिया गया है? तो 2023 के हॉकी विश्व कप के अंदर सबसे अधिक गोल करने वाली टीम का खिताब जो है वो नीदरलैंड की टीम को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपसे पूछा जा सकता है कि नीदरलैंड की टीम ने कितने गोल दागे, तो कुल मिलाकर 32 गोल जो है वो नीदरलैंड के द्वारा किए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी की बात हुई है तो हॉकी विश्व कप 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी का खिताब दक्षिण अफ्रीका के मुस्तफा कासिम को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां तक आपने 15वें हॉकी विश्व कप से संबंधित सभी क्वेश्चंस को देख लिया है। अब इसके बाद हाल ही में हुए 14वें हॉकी विश्व कप 2018 से संबंधित भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 14वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किस देश की टीम ने जीता था? तो बात हुई है 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप की। इसका आयोजन 2018 के अंदर उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर विजेता टीम रही थी बेल्जियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंप दी गई है? तो फ्रेंड्स, 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो है वो बेल्जियम तथा नीदरलैंड इन दोनों देशों को सौंप दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, आपके लिए यहां से तीन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, 14वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दूसरा, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन जो है 2026 के अंदर बेल्जियम तथा नीदरलैंड के अंदर किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कुल कितनी बार पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया है? तो कुल मिलाकर अभी तक 4 बार पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के अंदर किया जा चुका है। और 4 बार कब कब हुआ वो भी एक बार देख लेते हैं। पहली बार 1982 में मुंबई के अंदर आयोजन हुआ, दूसरी बार 2010 में नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ, और तीसरी बार 2018 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन हुआ, और चौथी बार अभी 2023 में ही उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला में इसका आयोजन किया गया है। तो ये चारों ही चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों को आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी। तो बात करूं पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले संस्करण की, तो इसका पहला संस्करण 1971 में आयोजित हुआ था, और 1971 से ही पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत की गई थी। तथा इसका पहला जो संस्करण था वो 1971 में स्पेन देश के अंदर आयोजित किया गया था, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इस संस्करण के अंदर पाकिस्तान की टीम विजेता रही थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और पाकिस्तान की टीम पुरुष हॉकी विश्व कप के अंदर एकमात्र ऐसी टीम है जो सबसे सफल टीम मानी जाती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की टीम ने ही सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी विश्व कप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली टीम कौन सी रही है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली टीम रही है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार देख लेते हैं पाकिस्तान की टीम ने किन किन वर्षों में हॉकी विश्व कप को जीता है। तो पाकिस्तान ने कुल 4 बार हॉकी विश्व कप जीता। पहला 1964 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1978 में, चौथा 1981 में। वहीं पर दूसरे स्थान पर नीदरलैंड रही, जिसने 3 बार हॉकी विश्व कप जीत लिया है। पहला 1973 में, दूसरा 1990 में, तीसरा 1998 में, और इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रही, जिसने 3 बार हॉकी विश्व कप को जीत लिया है। पहला 1986 में, दूसरा 2010 में, तीसरा 2014 में। चौथे स्थान पर जर्मनी रहा, और जर्मनी ने भी 3 बार ही हॉकी विश्व कप को जीता है। पहला 2002 में, दूसरा 2006 में, और तीसरा 2023 में। बात करूं फिफ्थ नंबर पर कौन रहा, तो फिफ्थ नंबर पर रहा अपना भारत, जिसने कुल मिलाकर 1 बार ही पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, वो भी 1975 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता जो टीम है जर्मनी, इसके कप्तान कौन है? तो जर्मनी की टीम के कप्तान हो जाते हैं मैट्स ग्रेमबुश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप का एकमात्र खिताब किस वर्ष जीता था? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, भारत ने कुल 1 बार ही पुरुष हॉकी विश्व कप को जीता है, और वो भी 1975 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 1975 का हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1975 के हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है वो मलेशिया के अंदर किया गया था, जिसका विजेता भारत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कौन सी संस्था करवाती है? आईसीसी, बीसीसीआई, या एफआईएच, या हॉकी इंडिया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात एफआईएच के द्वारा ही हॉकी विश्व कप का आयोजन कराया जाता है। एफआईएच के बारे में एक बार देख लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नाम से भी जानते हैं।
बात करूं स्थापना की, तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लुसाने में हो जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हॉकी से संबंधित ये लेटेस्ट नियुक्ति है। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बदले गए हैं, उनका नाम हो जाता है दिलीप टिकरी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है हॉकी इंडिया की, तो एक बार इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे स्थापना हुई 2009 में और हॉकी इंडिया का मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं दिलीप टिकरी, ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने 15वें हॉकी विश्व कप से संबंधित सभी क्वेश्चंस को डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है, प्लस उसके साथ आपने 14वें हॉकी विश्व कप 2018 से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल कर लिया है। उसी के साथ आपको 16वें हॉकी विश्व कप 2026 से संबंधित भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है या आपको इसका कंटेंट पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपनी बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।